नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, चुनाव थम चुके हैं। चुनाव महाराष्ट्र के चुनाव, पांचवा चरण का चुनाव खत्म होते ही महाराष्ट्र में चुनावी प्रक्रिया फिलहाल खत्म हो चुकी है। अब इंतजार रिजल्ट का है। दो चरण और बाकी है। देश में सात चरणों में चुनाव होने थे। आगे के दो चरण में महाराष्ट्र में कोई सीट पर चुनाव नहीं होने हैं। दो चरण 25 मई और 1 जून को बाकी है। उसके बाद 4 जून को रिजल्ट आएंगे। हम इतने दिन से खासकर हमारी पालघर जिले की सीट पर एक एक अपडेट लेकर आपके सामने आ रहे थे, आपने देखा है। तो आज हम ये लेके आए कि पालघर में लास्ट वोटिंग कितना रहा, उसके आंकड़े हम आपको बताने वाले, और साथ ही साथ कि अनुमान क्या है, जनता का मूड क्या है, इसका हमारे सर्वे में क्या निकल कर आया, ये हम आपको बता रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप। पहले बात करें अगर पालघर में वोटिंग की, तो पालघर अंतर्गत 6 विधानसभा है, 128 दहाणु, 129 विक्रमगढ़, 130 पालघर, 131 बोईसर, 132 थालासुपारा, 133 वसई। ये 6 विधानसभा को मिलकर पालघर का पालघर की लोकसभा है। इस पालघर की लोकसभा में अभी कुल वोटिंग संख्या थी 21,48,514, जिसमें 11,25,209 पुरुष और 10,23,080 महिलाएं। इसका जो फाइनल वोटिंग काउंट जो आया है जिला मुख्यालय से, निर्वाचन आयोग से, वो हम आपको बता रहे हैं। ये अप्रोक्स है और 63.91% वोटिंग जो दिन खत्म हुआ वहां तक हुई, जिसमें महिला, ये जो वोटिंग का आंकड़ा है ये बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है, एक माने में कम है, लेकिन फिर भी निराशाजनक भी नहीं है। और ओवरऑल 63.91 लगभग 64% मतदान हुआ है, जिसमें पुरुषों ने ज्यादा मतदान किया है। पुरुषों का मतदान प्रतिशत रहा 65.1% और महिलाओं का रहा 62.2%। वहीं अदर का रहा 21.33%। विधानसभा वाइज बात करें तो सबसे पहले दहाणु की बात करें, दहाणु में टोटल 2,09,010 वोट हुए, जिसमें 1,07,019 पुरुष, 1,01,986 महिलाएं और 5 अदर। दहाणु के बाद विक्रमगढ़ की बात करें तो विक्रमगढ़ में 2,24,815 लोगों ने वोट किया, जिसमें 1,14,630 पुरुष, 1,10,184 महिलाएं और 1 अदर। उसके बाद में तीसरे नंबर पर है अपना पालघर। पालघर की बात करें तो पालघर में 1,98,851 लोगों ने वोट किया, उसमें 1,03,197 पुरुष, 95,645 महिलाएं और 9 अदर्स। उसके बाद बोईसर की बात करें तो बोईसर में 2,48,451 लोगों ने वोट किया, जिसमें 1,36,607 पुरुष, 1,11,833 महिलाएं और 21 अदर्स। बात करें नालासुपारा की, तो नालासुपारा में सबसे अधिक 2,51,875 लोगों ने वोट किया, जिसमें 1,66,383 पुरुष और 1,25,471 महिलाएं, 21 अदर्स। नालासुपारा में सबसे अधिक वोट हुआ, लेकिन प्रतिशत में नालासुपारा सबसे कम रहा, उसके ऊपर हम बाद में बात करते। फिर बात करें वसई विधानसभा की, तो वसई विधानसभा में 2,01,60 लोगों ने वोट डाला, जिसमें 1,04,650 पुरुष, 95,509 महिलाएं और 1 अदर। ऐसे कुल मिलाकर 13,73,162 लोगों ने वोट किया पालघर जिले में, जिसमें 7,32,486 पुरुष, 6,40,628 महिलाएं। ये 13,73,162 टोटल वोट 21,48,514 का 63.91% रहा, 92% जो हमने आपको पहले शुरू में बताया। अब हम बात करते हैं नालासुपारा की, जो मैंने कहा कि नालासुपारा की हम बाद में बात करेंगे। नालासुपारा में टोटल वोट संख्या थी 5,57,000 से अधिक, उस हिसाब से 2,90,000 वोट जो गिरा, तो वोट काउंट सबसे ज्यादा है, लेकिन वोट प्रतिशत सबसे कम था। नालासुपारा में वोट जो एक्चुअल वोटर संख्या थी उसकी अपेक्षा में 50%
से कुछ अधिक का वोट हुआ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वसई और वसई पालघर डहाणू इन तीन विधानसभा से नालासोपारा में करीब करीब 90,000 से 1,00,000 ज्यादा वोट गिराए। नालासोपारा के बाद में दूसरे नंबर पर बोईसर में 2,48,000 लगभग 2.5 लाख वोट गिरे हैं। बाकी की सभी 2.25 लाख वोट के साथ में विक्रमगढ़ तीसरे नंबर पर रही है। बाकी पालघर वसई और पालघर में सबसे कम वसई और डहाणू में 2 लाख के करीब वोटिंग हुआ है। तो वोट प्रतिशत 63.9164% रहा जो औसत है, जिसमें सबसे कम नालासोपारा का रहा। अब बात करें कि वोटिंग हो गया, अब जीतेगा कौन हारेगा कौन, तो यहां मैं आपको बता दूं मैं कोई हार जीत का भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सर्वे जो हम इतने दिन घूमे अभी भी कल वोटिंग ये पूरा हुआ उसके बाद आज 24 घंटा से अधिक समय हो गया और जो मैंने घूमा महसूस किया उसके आधार पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी की प्रत्याशी भारती भरत कांबड़ी जो है वो काफी मजबूत होकर उभरी है और भारतीय भरत कांबड़ी का पलड़ा बाकी के दोनों पार्टियों से भारी होता दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे अहम रोल अदा करेगा नालासोपारा, क्योंकि नालासोपारा के 2,90,000 लगभग 3 लाख में कुछ वोट कम जो नालासोपारा में हुआ है, नालासोपारा की जनता ने किस और वोट किया है? अगर नालासोपारा की जनता में भरती भरत कांबड़ी को अपेक्षाकृत जितनी उम्मीद थी उतने वोट अगर वहां से मिल जाते हैं तो भारतीय भरत कांबड़ी की राह काफी आसान हो जाती है। इस देश में भी जो चुनाव चल रहा है, चुनावी माहौल है, उस माहौल में एक तरफ महायुति है, वो महायुति भारतीय जनता पार्टी जो है 400 पार का नारा दे रही है और प्रधानमंत्री के चेहरे पर वो चुनाव लड़ रही है। अब की बार फिर मोदी सरकार ऐसा नारा दिए जा रहे हैं, तो वहीं उसके उलट महाविकास अघाड़ी है वो वर्तमान सत्ताधारी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हुए उसके ऊपर वोट मांग रही है। तो कहीं न कहीं पालघर की सीट पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो चुनाव है यहां पर महाविकास अघाड़ी मजबूत होकर उभरी है। हालांकि पालघर में बहुजन विकास अघाड़ी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। बहुजन विकास अघाड़ी जो कि वसई और नालासोपारा में और बोईसर इन तीन विधानसभा में काफी मजबूत है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, दरकिनार नहीं कर सकते हो। तो इन तीन विधानसभा में बहुजन विकास अघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा अगर महाविकास अघाड़ी उनके बराबर के वोट भी हासिल करती है तो महाविकास अघाड़ी का पलड़ा फिर बेहद भारी हो जाएगा। इतना अनुमान हम आपको हमारे इतने दिनों के जो इतने दिन हम घूमे और जो महसूस हुआ उसके आधार पर हम बता सकते हैं। बाकी रही बात हार जीत के फैसले की, तो हार जीत का फैसला 4 जून को होगा और 4 जून को हम जरूर आपके सामने वो तस्वीर लाएंगे कि कौन जीता कौन हारा क्या कुछ रहा वो हम जरूर बताएंगे। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, न ही भविष्यवाणी कर सकता हूं, लेकिन जो जमीन पर हमें जो महसूस हुआ वो मैंने अभी आपको बताया। इन चुनाव में कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी की भारतीय भरत कांबड़ी का पलड़ा भारी है, ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं। फिर भी नालासोपारा जो है काफी अहम रोल निभाएगा पालघर के लिए। तो अब यहीं पे रुकते हैं, हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आपके पास आए इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।